बीन का तड़का। आज है हमारा कल आज और कल स्पेशल, जहां हम भूत वर्तमान और भविष्य में लाएंगे कॉमेडी का तड़का। मगर उससे पहले वेलकम कीजिए रोहित शेट्टी का, जिनके कल मारे हुए इंटेलिजेंट जोक्स हमें कल समझ में आते हैं। और उस हस्ती का जो अगर हस्ती नहीं तो ये शो आज कॉमेडी शो होता, हॉरर नहीं। प्लीज वेलकम अर्चना पुरंसेन। अर्चना, आप चौंक नहीं गए कि आज मैंने रोहित का पहले वेलकम किया, आपका बाद में? हाँ। वो इसलिए क्योंकि रोहित हमारा आज है। ओहो, आप तो कल भी थी। अच्छा। आज भी है और कल भी रहेंगी। तो आज का कल आज और कल स्पेशल है आपको खास डेडिकेटेड अर्चना। एक जमाने में जो पिताजी थे वो कल पिताजी से पापा हो गए और आज सिर्फ पा बन के रह गए। कहां अमित जी की वो दोस्ताना थी, कहां करण की नई दोस्ताना, और आगे का दोस्ताना कैसे होगा ये बताएंगे कृष्णा, सुदेश और मिलिसा। ये कहानी है दो महान एक्टर्स की दोस्ती के बारे में, जिनका दोस्ताना बहुत साल पहले शुरू हुआ था, अमित और शत्रु। खामोश, कोई नहीं रहेगा, ताली बजा। वेरी गुड। और उस छबड़गंज लंबू को बुलाओ, मैंने हर बार अकेले आने का कोई ठेका नहीं लिया। तुम गलत ड्रेस पहन के आए हो, दोस्ताना में ये यराना की ड्रेस का क्या काम? अबे यराना दोस्ताना से ज्यादा बड़ी हिट फिल्म थी। ये बात है, तो हम यराना को दोस्ताना में बदल देते हैं। हमारी दोस्ती कोई भी नहीं तोड़ सकता, चाहे वो एक सेक्सी लड़की क्यों ना हो। लड़कियों से ऐसे बात नहीं की जाती। देखो जीनत, तुमने एक्चुअली दोस्ताना के गाने पे कुर्बानी का गाना कर दिया। मालूम है, मैं तुम दोनों की दोस्तानी की कुर्बानी लेने आई हूँ। बोलो, दोगे ना? हाँ, आवाज़। हाँ कह दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। एक्चुअली ये शत्रु है, लेकिन ये मेरा मित्र है, मित्र था और मित्र रहेगा। क्यों कुतरिया? शुक्रिया। सालों पहले जिन दोस्तों की दोस्ती एक सेक्सी लेडी नहीं तोड़ पाई, उनकी दोस्ती में आज दरारें पड़ रही है और ऐसे में हो रही है उनकी एक और मुलाकात। मेरे दोस्त, किस्सा ये क्या हो गया? सुना है कि आज तक तू पा हो गया। अरे पा तो मैं हो गया, लेकिन तेरा बचपन अभी तक गया नहीं। तू ये होटो के पास ये लकीर क्या लेके घूम रहा है? अरे प्लास्टिक सर्जरी का जमाना है, ऑपरेशन करवा ले। मेरे होटो की ये रेखा और तेरे हाथों की वो रेखा कोई नहीं मिटा सकता। और तुम्हें याद होगा कि बहुत साल पहले हमने एक ऐतिहासिक फिल्म की थी दोस्ताना। अरे कैसे भूल सकता हूँ, अभी अभी तो फ्लैशबैक दिखाया है। जीना तमान के वो छोटे छोटे कपड़े और हमारे ये बड़े बड़े लफड़े। लफड़े तो उस करण ने दिखाए थे कि हमारे दोस्तानी का उसने टाइटल चुराया और हमको फिल्म में नहीं लिया। दोस्त तो फिकर मत कर, हम उसकी अगली दोस्ताना में काम कर रहे हैं। ओके। फ्लैट में रहना चाहते हैं? आप लोगों को तो पता होगा मैं सिर्फ उस टाइप के लोगों को फ्लैट देती हूँ। हम उसी तरह के। जाले को आग कहते हैं, बुज्जी को राखी कहते हैं। जिस आग से बने बारूदी उसे विश्वा नाथी कहते हैं। क्यों लंबी? हाँ, हम भी।
लेकिन मुझे ये बताओ, तुम दोनों में से हस्बैंड कौन है? मैं बताती हूँ, मैं हूँ इसकी वाइफ शत्रुघ्न सैनी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये सब शुरू कब हुआ? आई मीन दोस्ताना? बहुत लंबा रिश्ता है। इसके लिए मुझे पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन मेरे पीछे कोई नहीं, समझ शर्माती मत थप्पड़ मारना। मैं फ्लैशबैक की बात कर रहा हूँ। फ्लैशबैक बहुत हो गया, अब आगे जाओ फ्यूचर में। Once again, three of you, fantastic, mind-blowing, superb. ये कल आज कल, I mean the concept is beautifully executed, बहुत अच्छा लिखा गया, लेकिन आप तीनों के performances ने इस act को कहाँ पहुँचा दिया? Uttriya, just two. पता नहीं मुझे ये बोलना चाहिए कि नहीं, ये level का performance कोई नहीं कर पाता आप लोग के अलावा। जो आप तीनों ने, खास करके कृष्णा एंड सुदेश, जिस लेवल पे आप लोग ले गए ना, हैट्स ऑफ, सैल्यूट। व्हाट एन ऑनेस्टी इन परफॉर्मेंस यार, व्हाट एन हार्ड वर्क। अर्चना, कितने मार्क्स देंगी आप? इज देयर एनी डाउट अबाउट व्हाट आई एम गोना गिव देम? फर्स्ट बनता है डेफिनेटली, नॉट दिस, दिस। थैंक यू, 10 पॉइंट्स। थैंक यू गाइस। बदल गया है, मगर मातम मनाने का स्टाइल तो पुराना ही बेस्ट है। मगर इनके पल्ले ही नहीं पड़ रहा, मॉडर्न स्मिता को मातम मनाना सिखाने आ रहे हैं कल और आज की रुदालियां, सलोनी और राजीव। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर देम। तो अब आपके सामने अफसोस करने आ रही है मैयतों की शहजादी। मैं हूं कमला भैन जी स्यापे वाली। मैं तो किसी भी मुर्दे के जाके ऐसा स्यापा करती हूँ कि जनाजे में जान डाल देती हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि मैं अंबुजा सीमेंट खाती हूँ। बेटी अच्छा हुआ तू आ गई, मैंने तेरे लिए कल के 300 बुक किए हैं। इतना काम तो सलोनी की माँ नहीं उससे कराती जितना तू मुझसे कराती है। लेकिन एक बात पक्की है, यहाँ मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिले ना मिले, वहाँ मेरी पक्की है। शाबाश बेटी, कम से कम 100 कमीने मरे होंगे तब जाकर तू पैदा हुई होगी। आय हाय, 100 कमीने, तभी मैं सोचूं मेरे में इतनी वेरिएशन क्यों है। लेकिन एक बात पक्की है कि सारे स्यापे तूने किए होंगे। बेटी मैं तो नजाकत से ऐसा स्यापा करती थी कि लोग मुर्दे की शक्ल देखने के बजाय मेरे एक्सप्रेशंस देखा करते थे। देखा था मैंने, इतना स्लो स्यापा करती थी, मुर्दा उठ के बैठ जाता था। कहता था इसका स्यापा नहीं खत्म होना, मुझे आग लगा के मेरा स्यापा तो खत्म करो। लेकिन इससे बात नहीं बनती, आजकल एक्सप्रेशन नहीं चलते, आजकल पूरी बॉडी के एक्सप्रेशन चलते हैं। अर्चना बहन जी, हाँ जी, आपको तो पता ही है मैं जनरेटर पे भी अफसोस कर लेती हूँ। जनरेटर, ये क्या है? जनरेटर स्टार्ट हो रहा है। बहन जी जनरेटर में बड़ी जान है, डीजल मेरा ही खत्म हो रहा है आजकल। लेकिन तभी मैं जाके हिट हुई हूँ। बेटी अगर तू ज्यादा दिखाने से हिट हुई है तो तेरी बेटी को तो सुपर हिट होना चाहिए। पर हिट कहाँ से होना था जी, जो स्टेप मैं उसे रो रो के सिखाती हूँ, हंस हंस के करती है।
परसों मैं उसे पप्पू की मैयत में ले गई, मैंने कहा हाय पप्पू, पप्पू उठ के बैठ गया, कहता दो चार बार और करना, मरने का मजा तो आए। मतलब तेरी बेटी रुदाली बनने की जगह आइटम गर्ल रूपाली बन गई। रोना सीख गई और कितना गंदा रो रही है। इतना गंदा तो आजकल ये एक्ट नहीं करती। ओए होए होए, अरे पहले पूछ तो ले क्यों रो रही है। वो डायरेक्टर धोखेबाज निकला, मुझे शूट का झांसा देकर। चलो भला मानस है भाई, मेरी बेटी को रोना सिखा दिया, चाहे लूट लिया। लूटा ही तो नहीं, इसीलिए तो रो रही हूँ। क्या जमाना आ गया है बेटी, कल से तू इसे अपने साथ ले जाना शुरू कर। तुम दोनों जोड़ी में स्यापा करोगे तो और भी हिट होंगे। लेकिन मुझे स्यापा करना थोड़ी ना आता। हाय हाय, माँ तेरी बैठी है ना, एक मिनट में स्यापा सिखा दूंगी। बस तू समझ ले के तेरा हस्बैंड मार गया। वाओ, ऐसे ही एक्ट में ना मिस टाइमिंग करती है। ओके ये देखो सस्ती रोशनी चोपड़ा। ओए, ऐसी औरतें होती हैं सुहाग रात में अपना घूंघट उठा के हस्बैंड को कह देती हैं, हाय लाला जी आप यहाँ भी। ओए मातम मना, हाय 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 कर। हाय 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 हाय, मैं इतनी वेरिएशन तू एक्ट में ले आती तो हम कभी डेंजर जोन में नहीं आते। जहाँ तू मैयत पे जाएगी ना, वहाँ पुलिस का छापा जरूर पड़वाएगी। बेटी ये नहीं समझेगी, चल हम दोनों इसे करके दिखाते हैं। हाय हाय हाय, सबसे पहले तो मुर्दे की छाती पे हाथ मारने। हाय, नानी वो क्यों? पूरी तरह कंफर्म करना है मुर्दा जिंदा तो नहीं है, और इतनी जोर से हाथ मारने है जिंदा हो भी तो मर जाए, और उसके काम की तारीफें करते रहना, हाय कितना अच्छा काम करता था। बड़ी जवानी में चला गया। उनकी एज क्या थी? उम्र? उम्र पे नहीं, जवानी पे फोकस करना। उम्र कोई भी हो, कहना यही है भरी जवानी में चला गया। और अपने साथ जो आया हो ना उसके खाने का ध्यान रखना, माँ कुछ खा ले। नहीं भूख नहीं लगती। देखा दुख कितना। नहीं सुबह के 3 चिकन खाए हुए, भूख नहीं लगती। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं डायरेक्ट विधवा बनूंगी। समझा? तू समझ, मॉडर्न जमाना है, जब डायरेक्ट माँ बन सकते हो डायरेक्ट विधवा क्यों नहीं। अब तुझे अफसोस करना आ गया, चल बैठ अफसोस कर। ओके। मुजरे में नहीं आई, मैयत में आई है। ये आज इनको क्या हो गया हो, ये आज इनको क्या हो गया। जो चीज मैं तुझे रो रो के सिखाती हूँ, हंस हंस के क्यों करती है? क्योंकि आज हंसने का जमाना है, आज रोने के नहीं हंसने के पैसे मिलते हैं, और बिना बात हंसने के तो ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो फिर आज से हम रुदाली नहीं बनेंगे, हंसाली बनेंगे। हम भी बिना बात के हंसेंगे। माइंड ब्लोइंग। आई विल टेक यू होम। यस। नो नो नहीं, 10 नंबर दो। ओए 10 नंबर के लिए ऐसे नहीं मिलते, उसके लिए कुछ और करना पड़ता। क्या? लैरी कृष्णा। मैंने पंजाबी औरत भी डाल दी, लैरी का डांस भी डाल दिया, इसकी क्यूटनेस भी डाल दी, इसकी बदतमीजी भी डाल दी। अगर आपने आप भी 10 नंबर ना दिए तो देख लो जो बनता दे दो। शुरुआत करेंगे, कैसी लगी आपको इनकी परफॉर्मेंस? आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, खास तौर से ऐसे राजीव आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। वेरी नाइस, वेरी पावरफुल, बहुत जान डाली आपने इसमें। एंड सलोनी यू आर वेरी गुड, सो गुड जॉब ऑन द होल, वेरी गुड जॉब। रोहित, ओवरऑल एक नया एक्ट देखने को मिला, एंड राजीव जिस तरह से यू एंटर्ड, तुम ठान के आए थे कि आज मेरे को एनर्जी अपनी दिखानी है और आई हैव टू विन दिस। ओवरऑल इट वाज अ नाइस एक्ट, आई लाइक दैट। थैंक यू, थैंक यू। चलिए तो इस नाइस एक्ट के लिए अर्चना कितने नंबर देंगी आप? गुड एक्ट, 8। 8। रोहित, आई आल्सो गिव 8। जोरदार तालियां हो जाए राजीव पिता और सलोनी के लिए। चांद पर
पर हो रही है एक नई फिल्म की शूटिंग और वहां आए पृथ्वी से शरद, मंगल से भारती और देवलोक से परेश. प्लीज वेलकम दिस हैवीवेट तिकड़ी, परेश, भारती एंड शरद. नारायण नारायण. जब भी मैं चांद पे आकर कोई गाना कंपोज करता हूँ, इंद्रलोक में सुपरहिट हो जाता है. आज क्या बनाऊं? हाँ, एक आइटम भजन बनाता हूँ. जैसे चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं. छा गए नारद? वाह नारद वाह, नारायण नारायण. आज मेरा ख्वाब पूरा हो गया. आज पहली बार चांद पर शूटिंग हो रही है और मैं इस फिल्म में एक्टिंग कर रहा हूँ. पहले धरती पर तो ढंग से एक्टिंग कर ले. कौन बोला बे? मूर्ख बालक, हम नारद हैं, नारद मुनि. हम इंद्रपुरी से आए हैं. तो तुम ही हो इंद्रलोक के वैम्प, जो इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करते हो. मुझे क्रोध मत दिलाओ पुत्र. महाराज, महाराज भूकंप, महाराज, महाराज भूकंप, महाराज. देखा, देखा मेरा क्रोध आ गया ना भूकंप. महाराज क्षमा, महाराज क्षमा, महाराज क्षमा. क्षमा करता हूँ मैं तुम्हें. महाराज फिर भी आ रहा है महाराज. अबे ये किसका क्रोध है? अबे ओ फालतू का क्रेडिट मत ले, कोई भूकंप नहीं आया. ओ तेरी लड़कियों की नील नितिन मुकेश. बकवास बंद कर, मेरा नाम निलूफर है, मैं मंगल ग्रह से आई हूँ. अब पता चला कि अक्सर लोगों का मंगल इतना भारी क्यों होता है. खबरदार, अगर मेरी कमजोरी का मजाक उड़ाया तो. बताओ ये कमजोर हैं तो मैं तो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा हूँ. जिसे देखो मुंह उठाकर चांद पर चला आ रहा है. सबसे पहले पृथ्वी लोक से ये लोफर आया, बाद में मंगल ग्रह से ये नी लोफर आई. मैंने सुना है कि मंगल ग्रह पर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है. कहाँ से होगा, सारा कुछ तो ये खाकर बैठी है. बदतमीज कहीं के, पहले मुझे ये बताओ कि तुम दोनों हो कौन? मैं सर शरद केलकर, आई स्टैंड 6 feet 1 इंच टॉल, माय प्रोफाइल सर. और मैं पृथ्वी से एक्टिंग करने आया हूँ. छी, पृथ्वी से आए हो फिर भी इतनी गंदी एक्टिंग कर रहे हो. शशि कपूर को पता चल गया तो बाहर निकाल देगा. अच्छा. अरे मैं पृथ्वी थिएटर की नहीं, पृथ्वी लोक की बात कर रहा हूँ. मैंने सुना है कि पृथ्वी पर चांद से देखने से सिर्फ चाइना की दीवार नजर आती है. जरा देखूं. ए वत्स, तुम पृथ्वी वालों ने आपस में इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बना रखी हैं, चाइना की दीवार कहाँ से नजर आएगी? तेरा मैसेज हो गया तो पीछे आ. बड़े अजीब लोग होते हैं ये पृथ्वी के. बिल्कुल सही कहा, दो लोग तो वहां बैठे हैं. ध्यान से देख, उसमें से एक औरत है. वैसे ये दो में से एक को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी लाइन पे हंसूं, और दूसरी को ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी लाइन पे रुकूं. इन्हें छोड़ो, वो देखो पंजाब का जाकिर हुसैन. अरे इसके बारे में कुछ मत कहना, क्या बजाता है? कभी कभी हमें इसकी वजह से भी नंबर मिले. बिल्कुल सही कहा तूने, जहाँ 10-10 मिले थे वहाँ 8-8 मिले. बजाना मत. अरे इसकी छोड़ो. तुम यहाँ चांद पर क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ चांद पर आता जाता रहता हूँ. लो ये चांद को डेंजर जोन समझ रहे हैं जो मेरी तरह आते जाते रहते हैं. नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि मैं यहाँ बैठकर अपना ये एक तारा बजाता रहता हूँ. अरे यहाँ नहीं, वहाँ जाके बजा. तेरी वजह से उस गरीब के दो पैसे बन जाएंगे. ये बता, तू यहाँ चांद पर क्या लेने आई है? मैंने सुना यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है तो मैं मंगल ग्रह से एक्टिंग करने आ गई. तूने सोच भी कैसे लिया कि कोई तुझे अपनी फिल्म में एक्टिंग का चांस दे देगा? तूने सोचा था? नहीं. तो अगर तुझे चांस मिल गया, मैं तो फिर भी थोड़ी बहुत एक्टिंग जानती हूँ. तुम्हारा फेस देखकर लगता है कि अगर तुमने ब्लू फिल्म में काम किया होता तो शायद फिल्म डूबने से बच जाती. वो कैसे महाराज? पूरी फिल्म पानी में बनी थी, ये पानी में कूदती सारा पानी बाहर, फिल्म डूबने से बच जाती. ये बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? जब मैं रहती हूँ तब कोई नहीं रह पाता. इसके पूछने का मतलब ये है कि तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? मैं, मेरी बड़ी बहन. तुमसे भी बड़ा कोई है? हाँ, मेरा छोटा भाई जादू और मेरे पापा जादूगर. तो देख के लगता है तुमने जरूर किसी जादूगर ने पैदा किया है. पुत्री, तुम्हारी माता नहीं है क्या? क्यों नहीं है, आज करवा चौथ है, चांद देख रही होगी. तुम लोग मंगल कैसे, चांद कैसे देखते हो? ऐसे रस्सी से लटक के चांद देखकर ऐसे ऊपर आ जाते हैं. तुम्हारी माँ का ठीक है, शादी के बाद तुम जरा चांद ढंग से देखना, कहीं रस्सी छूट गई ना तुम्हारी पृथ्वी 2012 से पहले ही खत्म हो जाएगी. बदतमीज कहीं के,
तुम्हें पता नहीं हमारी दुनिया तुम लोगों से ज्यादा एडवांस है। अरे एडवांस की बात मत कर भारती यार, यहाँ टाइम पे पैसे मिल जाए वही बहुत है। एडवांस परेश जी अब इतनी घटिया बातें मत करो, नहीं तो एक्ट गिर जाएगा। आज एक्ट नहीं गिरेगा भारती। क्यों? क्योंकि क्योंकि चांद पे ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो है ना अर्चना, है ना रोहित, है ना। अर्चना क्या कहेंगी आप इस शॉर्ट एंड स्वीट एक्ट के बारे में? इट इज अ क्यूट एक्ट बिकॉज भारती जो आपने ये मार्स का जो ये बींग बन के आई है, वेरी नाइस, वेरी क्यूट। ऑल थ्री ऑफ यू गुड परफॉर्मेंसेज एंड अ डिसेंट स्क्रिप्ट, सो ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस एंड अ गुड आइडिया। एक्चुअली कल आज और कल दिख रहा था कि यू नो तीनों आप लोग जो खड़े हो, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वो नजर आ रहा था, बट जिस लेवल के आप लोग परफॉर्मर्स हो उस लेवल का नहीं लगा मुझे ये एक्ट। तो अर्चना कितने मार्क्स देंगी आप? फ्रॉम मी इट्स एन 8। जो है आई गिव अ 7। 15 पॉइंट्स, वेल डन गाइस, गुड नाइट तालियां इनके लिए। यहां ये फ्यूचरिस्टिक मोहतरमा एक बड़ी सॉन्गस्ट्रेस बनना चाहती हैं। पुराने जमाने के प्रोड्यूसर उनको आज के प्रीतम के पास ब्रेक देने के लिए ले गए हैं। आइए मिलते हैं श्वेता, अनूप और रहमान से। मैं हूं प्रीतम, आज का सुपर हिट म्यूजिक डायरेक्टर। मैं एक नया फिल्म का म्यूजिक बना रहा हूं और एक खुशखबरी है। वो खुशखबरी ये है कि वो म्यूजिक मैं खुद बना रहा हूँ। क्या हुआ? वो घोड़ा खड़ा हो गया है। Who are you and what are you doing here? अबे हेयर हटा के देख, हम तेरी आने वाली फिल्म के प्रोड्यूसर है बे। आप अचानक इधर कैसे? हम अचानक में ही भयानक करते हैं। अब तेरे लिए सुन एक लड़की लाए हैं। क्यों बोलती दादा? लेकिन क्या है ना दादा, मैं उस तरह का म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है। तू तो किसी भी तरह का म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है। अबे कम से कम सिंगर तो ओरिजिनल चाहिए ना, इसीलिए 2050 की लाए हैं। नहीं दादा नहीं, हम फ्लॉप फिल्म का सिंगर के साथ काम नहीं करेगा, नहीं तो हम रोशनी को नहीं ले लेता। अबे हम फिल्म 2050 की बात नहीं कर रहे हैं, सन 2050 की बात कर रहे हैं पागल। लड़की जरा आना। इतनी मोहब्बत मत लुटाओ, तुम मोहब्बत समझ के लुटाती रहोगी, पब्लिक कुछ और समझ के लूटती रहेगी। ये बाल कलाकार कौन है? अरे बाबा तुम हमको नहीं पहचानता है? इसका मतलब तुम बंगाल को नहीं पहचानता है। हम बंगाल से हैं। अरे दादा बंगाल इंडस्ट्री को क्या क्या नहीं दिया, सत्यजीत रे दिया, बिपाशा दिया, सुष्मिता सेन दिया, मुनमुन सेन दिया, और रिया सेन तो दिया ही दिया। उसको छोड़ो दादा, उसको छोड़ो। तो पकड़ा किधर था भाई? कितना बड़ा बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर दिया, एसडी दिया, आरडी दिया, और बप्पी दा? गलती सबसे होता है भाई। ये सुरीली है। ये किधर से सुरीली है दादा? इडियट, मेरा नाम सुरीली है। अपने आने वाली फिल्म के सारे गाने यही गाएगी, जान लगा देगी। दादा हमको जान नहीं, हमको गान चाहिए। तुम ये बताओ कि तुम किधर से संगीत सीखा है? मैंने 7 साल अपने यहाँ के सर गुंगा खां से संगीत सीखा है। गुंगा खां? मतलब दादा 2050 में गुंगा लोग भी संगीत सिखाएगा? हाँ, और ऐसा संगीत सीखा है, ऐसा संगीत सीखा है कि 7 साल बाद उन्होंने मेरी सारी फीस वापस कर दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले से ही कह दिया था कि अगर सिखा नहीं पाया तो पैसे वापस। क्या? तो क्या क्या कर रहे हो, शुरू तो करो। दादा लेकिन पहले हम इसका टेस्ट लेगा। टेस्ट में ले चुका हो तुम, डायरेक्ट टेक ले। मुझे आशीर्वाद दीजिए। अबे ये आशीर्वाद दे रही है ले रही है? अरे दादा तुम बोलो ना, ये 2050 का सिंगर है, ये कुछ भी कर सकता है, दे दो आशीर्वाद। दिया दिया, छोड़ दो भाई दिया। अच्छा दादा अभी हम इसको राग देगा। दियो 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 दियो। ये राग दे रहे हो, इनविटेशन दे रहे हो, आदत गई नहीं तुम्हारी। हाँ चलो गाओ। लेकिन गाने के लिए लाइन तो दो। मैं तो कब से लाइन दे रहा हूँ, तुम ही नहीं ले रही हो। अरे दादा कंट्रोल कंट्रोल, वो गाने वाला लाइन का बात कर रही है। अर्ज किया है कि बहना ने अपने भाई से कहा कि भैया आप क्यों रो रहे हो, तो भाई ने कहा इलेक्शन के दिन वोट नहीं दिए तो समझो सो रहे हो। पर ये लाइन मैंने कहीं सुन रखी है। देखा क्या लाइनें लिखी हैं मैंने, लिखने से पहले ही हिट हो गई हैं। तुम गाओ।
अरे दादा, लेकिन पहला धुन तो बनाने दो। मैं अपने धुन खुद ही बनाती हूँ। नहीं दादा, ये नहीं हो सकता। अबे तुम क्यों घबरा रहे, तुम तो वैसे भी नहीं बनाते हो। इसका गोले से तो आवाज नहीं निकल रहा है। जहाँ से निकल रहा है वहां से कहाँ सुनाई दे रहा है। एक काम करो, खोल के गाओ, खोल खोल के। नो नो दादा नो, हम लोग ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, वीडियो नहीं। मुझे कोई रोमांटिक गाना दो ना गाने के लिए, मेरे रोम रोम में आंटिक है। रोमांटिक गाना मैं इतनी फीलिंग से गाती हूँ, इतनी फीलिंग बस, से गाती हूं। इतनी फीलिंग मुझे अकेले में दे देती तो गाने का पूरा एल्बम रिलीज करवा देता मैं। दादा, इसको किधर से पकड़ के लाया, कोई और नहीं मिली? भाई इस उम्र में ये मिल गई वो बड़ी बात नहीं है। दादा मिल तो गया, लेकिन ये तो हमसे भी बड़ा चोर है। और क्या लगा तुमको, अगर हमारा पास्ट ऐसा था, प्रेजेंट ऐसा है, तो फ्यूचर ऐसा ही होगा ना। तो वही अर्चना बता दीजिए कि इनके फ्यूचर में क्या लिखा है। ये कल आज और कल का जो कॉन्सेप्ट है उसको आपने करने की कोशिश की है, बट आई थिंक द पंचेस शुड हैव बीन मोर। रोहित, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा था कि आप लोग खुद थोड़ा सा मिस कर रहे थे, यू नो, वो जो एनर्जी है रहमान की, अनूप की और श्वेता की, वो नजर नहीं आ रही थी। चलिए तो अर्चना, कितने नंबर देंगी आप? I'll give you a 7. 7 marks. Rohit, aap? पहले के ads भी कितने memorable होते थे। मैं तो ads की भी अंताक्षरी खेल सकती हूँ। और आजकल चीता भी पीता है। अरे अगर चीता पीता है तो हमको क्यों पिला रहे हो बाबा, उसी को पिलाओ ना। हर्ष, जिमी और टीना बताएंगे कल आज और आने वाले कल में हुए बदलाव के बारे में। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हर्ष, टीना एंड जिमी। देखो इधर, अब स्टाइल से। हेलो रोहित, हेलो अर्चना जी, आज की थीम है कल आज और कल। अर्चना जी, आपका जो कल था आज किसी और का आज होगा, और मेरा आज जो है कल किसी का कल होगा, और रोहित का जो कल था वो किसी का कल आज कुछ भी हो सकता है। What does that mean? समझ में आया आपको? नहीं, हमारे एक्ट ऐसे होते हैं। किसी के बाप के समझ में नहीं आते। क्या है, कल और आज में वही रिलेशन है जो आज और कल में है, और जो आज कल है वो कल आज था, आज आज है कल कल था, और आज जो कल है वो कल आज हो जाएगा। सुनिए, आप दोनों लोगों को इतना कंफ्यूज मत कीजिए, मैं इन लोगों को अच्छे से समझाऊंगी प्यार की भाषा में, कल आज और कल का लव ट्रायंगल कैसे होता था। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तेरी दोस्ती के सामने मेरा प्यार कुछ नहीं है। मुझे नहीं चाहिए ये। मुझे नहीं चाहिए ये। लेकिन ये तेरी है। अबे तू ही रख। ओ ये तेरी है। तू रख। अब मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं? सच तो ये है कि मैं किसी से सचमुच बहुत प्यार करती हूँ, और वो सुरिंदर से। ये अबला तबला के पास जान ले लूंगा। ये था कल का लव ट्रायंगल, अब देखते हैं आज का लव ट्रायंगल। ओए तू यहाँ क्या कर रहा है? अबे वही तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ सल्लम, या तू क्या कर रहा है यहाँ पर? मैं इससे मिलने आया हूँ। और ये मुझसे मिलने आई है? लेकिन ये मेरी है। ये मेरी है? नहीं ये मेरी है। ये मैं कह रहा हूँ ये मेरी है। ये आज है? और मान जाने तो मैं मारना थप्पड़। ये सिंपल सा प्रॉब्लम है, मैं ही सॉल्व कर देती हूँ। लिसन, मंडे वेनसडे एंड फ्राइडे मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर अभी, और तेरी तेरी कर। एंड ट्यूजडे थर्सडे एंड सैटरडे मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड अब तू ले ले। वो संडे को क्या करोगी? मैं रोहित के साथ बिजी। अबे यार रोहित, संडे तो आराम किया कर भाई। ये था आज का लव ट्रायंगल। और हम आपको दिखाते हैं अब फ्यूचर का लव ट्रायंगल क्या होने वाला है। Dinner is waiting for you guys. अरे नहीं नहीं, देखो आज मेरी एक्स गर्लफ्रेंड स्मिता का पति बाहर गया हुआ है, वो अकेले डरती है, इसलिए मुझे उसके घर जाना है।
ओफो, ये स्मिता भी ना दो तीन शादियां नहीं कर सकती थी क्या, ताकि एक पति बाहर जाए तो कम से कम दूसरा तो टाइम स्पेंड करेगा। अरे तुम इसके साथ क्यों नहीं खा लेती हो, ये भी तो तुम्हारा हस्बैंड है। नहीं 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 नहीं, अभी अभी एक नया डांस बार खुला है, मुझे वहाँ जाना है डार्लिंग, तुम अपना जुगाड़ कर लो। मुझे अच्छी तरह से पता है कि ना ही तुम पार्टी जा रहे हो और ना ही तुम बार में जा रहे हो, तुम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने जा रहे हो, राइट? तुम कितना कोऑपरेट करते हो डार्लिंग, तुम अब दूसरे के साथ टाइम पास कर लेना, हम लोग जा रहे हैं, ओके? ओके, लेकिन तब तक मैं किसी और बॉयफ्रेंड को बुला लूँ यहाँ पे? किसी को भी बुला लेना, लेकिन सुदेश को मत बुलाना। सुदेश को कौन बुलाएगा, वो तो रात भर मुझे गाना सुनाते रहते, अभी मेरा नया बॉयफ्रेंड है। अरे क्या बात कर रही हो तुम, तब तो पार्टी होनी चाहिए भाई, उसे रोक के रखना और जब हम लौट के आएंगे तो हम सब साथ मिलकर पार्टी करेंगे। साथ में पार्टी करेंगे, उसको हम भी ट्राई करेंगे। ठीक है, ओके डार्लिंग, चलो बाय बाय। हेलो, हाँ डार्लिंग, कहाँ पे हो तुम? जल्द से जल्द घर पे आ जाओ ना। कोई नहीं है घर पे, लव यू रोशनी, लव यू बेबी। अर्चना, एफर्ट सब जगह से है, लेकिन समटाइम वो जो होता ना पासा ही नहीं पड़ता सही, सो मे बी दैट इज ऑल्सो वट हैपन इन दी एक्ट। रोहित, समझ में नहीं आया गया हो क्या रहा था, क्योंकि चेंज ओवर नहीं था आप लोगों में। अगर आप मतलब बिगनिंग में जिस तरह से आप लोगों ने शुरू किया जो संगम का एक्ट कर रहे थे आप लोग, उसके बाद में फिर एक ही टोन पकड़ के आप लोग निकल गए। चलिए अर्चना जी, कितने मार्क्स देंगी आप इन्हें? आई एम सॉरी, इट्स अ सिक्स फ्रॉम मी। इट्स अ सिक्स फ्रॉम यू। लेकर आज तक ये सब कंटेस्टेंट्स हमारे साथ थे और इनमें से एक तिकड़ी कल से हमारा साथ छोड़ देगी, क्योंकि आज किसी एक का होगा इस स्टेज से एलिमिनेशन। जिन दो तिकड़ियों को मिले हैं सबसे कम नंबर, वो दोनों तिकड़ियां आज यहां करेंगी एक दूसरे का सामना। तो डेंजर जोन में आने वाली आज की हमारी पहली तिकड़ी है टीना हर्ष और जिमी आप, और हमारी दूसरी तिकड़ी है श्वेता रहमान एंड अनूप आप। तो टीना हर्ष और जिमी, आप तीनों में से कौन आ रहा है? मैं आ रहा हूं। तो डेंजर जोन में अपनी लाइफ सेविंग परफॉर्मेंस देने आ रहे हैं सबसे पहले जिमी, प्लीज वेलकम हिम। गाने आजकल एक से बढ़कर एक गाने आ रहे हैं, और रिमिक्स के गाने भी बहुत चले, रिमिक्स के गाने। राखी का स्वयंवर आपने देखा, उसमें तीन कंटेस्टेंट आखिर में थे, और राखी उसका बेचारा कुछ सर्जरी का प्रॉब्लम हो गया, ऐसी हो गई है। वो आखिर के एपिसोड थे जब तीन कंटेस्टेंट खड़े थे राखी वरमाला लेके, आगे पीछे आगे पीछे करते हुए वो टकले इलेश के गले में माला डाल दी। सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ पता है? बाकी दो बचे थे ना, उनके पेरेंट्स, मेरा बेटा बच गया। फिल्मी सितारों के मंदिर बहुत बन रहे हैं, रजनीकांत का मंदिर बना हुआ है चेन्नई में, मूर्ति ऐसी है ना, वरुदरो सुनना नूरदरो सुनना मात्री। भक्त आते हैं सिगरेट फेंकते हैं। मूर्ति ने सिगरेट पकड़ लिया तो मन्नत पूरा। अमिताभ का मंदिर बना कलकत्ता में, मैंने सोचा आगे चलकर अमिताभ भगवान बन जाएगा तो बातचीत में किस तरह फर्क है। अरे भाई साहब क्या हाल है? सब अमिताभ की कृपा चल रहा है। अरे लड़का हो गया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हमारी क्या औकात है, सब अमिताभ की देन है। फिल्मी प्रवचन होगा अमिताभ के नाम पर। आज हम ध्यान करते हैं कि प्रभु अमिताभ ने अपने कार्यकाल में कैसे कैसे चमत्कार किए। प्रभु तो सदियों से कहते आ रहे हैं, अरे दीवानों मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन। हमारी आंखों में अंधकार की पट्टी बंधी हुई थी, प्रभु को पहचान नहीं पाए हम। प्रभु की रेखा कमाल थी। भक्तजनों गलत ना समझो, मैं भाग्य रेखा की बात कर रहा हूँ। प्रभु बड़े भाग्यवान थे, शक्तिशाली थे, खून पसीना में शेर से लड़ना हो, शोले में गब्बर का मुकाबला करना हो, शान में शाकाल का वध करना हो, प्रभु अमिताभ का चुटकी का काम था। प्रभु अमिताभ के चरणों में पान का प्रसाद चढ़ाया जाए, क्योंकि स्वयं प्रभु अमिताभ ने कहा था, खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद कलकत्ता। बोलो जयावर अमिताभ बच्चन की। ऐसे होगा, आगे गोविंदा का मंदिर बनेगा, मूर्ति ऐसी होगी, एक रुपए का कॉइन डालिए मुंडी हिलेगा।
₹5 डालिए हाथ हिलेगा, ₹10 डालिए कमर हिलेगा, ₹100 डालिए घर तक पहुंच जाएगा, थोड़ा लेट पहुंचेगा लेकिन पहुंच जाएगा। थैंक यू। और अब अपनी तिकड़ी को बचाने आ रहे हैं रहमान, तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। स्टैंड अप एक्ट खत्म करने के बाद डेंजर जोन में आके अपनी टीम को बचाने के लिए आना बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे चंपा बाई का मूड नहीं है लेकिन ठाकुर साहब ने हवेली पे बुलाया जाना पड़ेगा। आजकल टीवी पे तरह तरह के एड्स आते हैं, होते कुछ और मतलब कुछ और निकलता है। एक औरत आती है, वो पता चाय का ऐड आता है, वो कहती है 502 पता का गजब का स्वाद। उसका अंदाज कुछ ऐसी है, 502 गजब का स्वाद। मेरी समझ में आज तक नहीं आया चाय का ऐड है कि काय का ऐड है। डिश एंटीना का ऐड है, दीवार पे पोस्टर लगी है, एक खूबसूरत सी लड़की है और आवाज आती है, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। अच्छा एक और मोबाइल फोन का ऐड आता है, पैसे कम करते ना वो लोग मतलब अपनी वो बढ़ाने के लिए मार्केटिंग। लड़की लड़का दोनों कोने में बैठे हैं इतने बड़े पोस्टर पे नीचे बैठ के और लिखा है कि लगे रहो रात भर 30 पैसे में। ये कौन सी ब्रांडिंग हो रही मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आजकल टीम रात के 12 बजे के बाद कुछ प्रोग्राम आते हैं, एक सवाल अजीब हो करीब 12 बजे कोई न्यूज चैनल पे आता है कि सनम बेवफा निकला, क्या लॉटरी में निकला है? शादी से पहले संबंध बनाना कैसा, ये सवाल है? ये तो मुकद्दर की बात है भाई। अगर किसी को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से पहले इंटरनेशनल खेलने का मौका मिल जाए ये तो मुकद्दर की बात है ना। जाते जाते इतना ही बोलूंगा कि फूल खिले लाया कली से, अभी आप निकलते पत्नी गली से भाई। थैंक यू। दोनों ही तिकड़ियों के जानदार परफॉर्मेंस के बाद अब बारी है वक्त उनके वर्तमान के निर्णय की, यानी रिजल्ट्स। रिजल्ट्स अनाउंस करने से पहले मैं आप दोनों को यहाँ स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर बोथ आवर तिकड़ीज। तो सबसे पहले श्वेता, रहमान और अनूप आपके साथ शुरुआत करते हैं। रहमान, आपको अर्चना ने दिए 9 नंबर, रोहित ने दिए 9 नंबर और स्टूडियो ऑडियंस ने दिए 9 नंबर। इससे आपका टोटल होता है 27 नंबर, 27 पॉइंट। जिमी, आपको रोहित ने दिए 9 नंबर, ऑडियंस ने दिए 8 नंबर और अर्चना ने दिए 10 नंबर। इससे आपका टोटल होता है 27, यानी कि इट्स अ टाई व्हिच मींस नो एलिमिनेशन। तो कंग्रेचुलेशंस, आप सेफ हैं, आप दोनों जाके वहां सेफ जोन में बैठ सकते हैं। यस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज अ मिस्ट्री, टुडे इज अ गिफ्ट, दैट्स व्हाई वी कॉल इट द प्रेजेंट। बहुत गिफ्ट बटोर लिए, अब जाने का टाइम आ गया है। कल आज हो या कल, हम हमेशा ही आपको हंसाने का प्रॉमिस करते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, इतनी आसानी से आपको नहीं छोड़ेंगे। तो देखते रहिए कोहिनूर फूड्स प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस 3 का तड़का। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.